चमत्कार ही हुआ एक तरीके से। मैं स्पोर्ट्स की बॉक्स है, इसमें से ये देखो दोनों के दोनों गायब है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ पे पर्वत उठाया था, ये वो जगह है। तो कहते फोन लेके भी भाग जाते हैं। वन है निधि वन, सर भी भारी भारी हो रहा है। कुमान सिंह गंगा बोलते हैं। देखो कीर्ति मंदिर, राधा रानी मंदिर। एवरीबॉडी देखिए, मॉर्निंग में सारा सामान गाड़ी में पैक किया है एंड इस जगह मेरा रुकना हुआ था। ये कुछ भगवान भोलेनाथ से रिलेटेड कोई जगह है। यहाँ पर रूम वगैरह भी अवेलेबल थे तो रूम ले लिया था मैंने। ठीक था रूम, काफी अच्छा था, गीजर वीजर सब चीजें थी, तो बढ़िया स्टे हो गया। अपनी गाड़ी भी यहाँ पे पार्क हो गई और अभी चलते हैं। ए गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अभी मैं हूँ वृंदावन की गलियों में और अभी जा रहे हैं बांके बिहारी टेम्पल के लिए। बांके बिहारी मंदिर ऑलमोस्ट 12 बजे तक ओपन रहता है दोपहर में और अभी 11 बजने वाले हैं, तो सबसे पहले मंदिर मत्था टेकेंगे, उसके बाद ही चाय पीते हैं। सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं। और ये दो भाई मिले थे अपने को ये देखिए पतले पतले गलियों से होते हुए आगे जा रहे हैं। स्पीड से आगे वो जो मोड़ दिख रहा है वहाँ है बांके बिहारी मंदिर। ये बहुत सारी प्रसाद के लिए आप देख पा रहे होंगे, हमने भी ले लिया है एंड जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ऑर्डर किया डोसा आ गया है भाई का, चीला चीला खाएंगे भाई। ये भाई लोग हैं एमपी से, अपने को मिले हैं। मंदिर में बड़ी भीड़ थी, इन्होंने बड़े दर्शन कराने में बड़ी मदद की। चलो अभी सबसे पहले पेट पूजा करते हैं फिर बात करेंगे। तो यही आसपास कहीं निधि बने थे, यहाँ कहते बंदर बहुत खतरनाक है तो कहते फोन लेके भी भाग जाते हैं वो जो निधि एंड इधर से जाके आगे रास्ता जाता है। दिवन का मेन गेट आप देख पा रहे होंगे, काफी भीड़ है पैदल यात्रियों के, आप देख सकते हैं। ये वाला वन है निधि वन इसको बोला जाता है, बाकी बंदर बहुत है यहाँ पे तो उनसे बच के रहना पड़ेगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने मंदिर में दर्शन हो गए हैं और अभी चल रहे हैं निधि वन से बाहर। यहाँ के बंदर बहुत खतरनाक है, आप फोन चीन के ले जा सकते हैं। एक का भी पर्स लेके जा रहा था। इधर राधा रानी के मस्ते में झूम रहे हैं सभी, आप देख पा रहे होंगे। हम अभी निधिवन होके आ चुके हैं, निधिवन मत्था टेका है, बांके बिहारी जाए अभी इस्कॉन टेम्पल का प्लान है अगर ओपन रहता तो, क्योंकि 12 बजे कहते बंद हो जाता है उधर। फिर और भी कई सारे मंदिर है वो सब करेंगे एक्सप्लोर, और एक राधा रानी का मंदिर भी है। सुबह की पहली चाय ले रहे हैं। तो यार इस्कॉन टेम्पल तो बंद है इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ वापस अपनी थार के पास और गाड़ी लेके कहीं और देखते हैं, कोई और डेस्टिनेशन करते हैं, क्योंकि अभी तो 1:30 भी नहीं बजा यार। गाइज अभी मैं जा रहा हूँ गोवर्धन के लिए और उधर ही आगे चल के बरसाना है इसी रोड पे। ये मथुरा से मैंने टर्न लिया था, आगे गोवर्धन भी इधर है बरसाना भी इधर है एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल यार, मेरा ऐसा मन हो रहा है वॉमिटिंग जैसा। यहाँ का बार का खा के डाइजेशन गड़बड़ा गया भाई, डाइजेशन गड़बड़ा गया। थोड़ी तबीयत डाउन हो रही है यार, सर भी भारी भारी हो रहा है। अपनी थार खड़ी है, इंडिया देखो इस तरफ खेत है, आप देख पा रहे होंगे एक तरफ किस तरीके से ट्रैफिक जाम हो रखा है, रोड ब्लॉक भी हो रखी है। और यहाँ से मेरे को करीब 2.7 किलोमीटर दूर जाना है गोवर्धन पर्वत के लिए। ये जो इस तरफ दिखाई दे रहा है ये है गोवर्धन पर्वत जो भगवान श्री कृष्ण जी ने उंगली पे उठाया था। यहाँ से लोग ई रिक्शा से परिक्रमा भी करते हैं। तो ये पर्वत के चारों तरफ लगभग 20-22-24 किलोमीटर के आसपास की परिक्रमा रहती है, ये आप पैदल भी कर सकते हो और ई रिक्शा वगैरह लेके भी कर सकते हो। देखिए हमने परिक्रमा शुरू की है, यहाँ दो परिक्रमा होती है, एक बड़ी होती है 12 किलोमीटर की और एक होती है 9 किलोमीटर की। तो मैं 12 किलोमीटर वाली कर रहा हूँ, वैसे आप दोनों एक साथ भी कर सकते हो, पैदल भी कर सकते हो एंड ई रिक्शा से भी कर सकते हो। तो मैं ई रिक्शा से कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि यार एक समय भी बचता है इससे और कभी आएंगे तो पैदल भी करके जरूर जाएंगे। इस बार थोड़ा सा वक्त कम है क्योंकि अपना सफरनामा चल रहा है इसलिए। तो यहाँ ये अंकल जी के साथ में अपनी परिक्रमा शुरू होती है, अपने को यहाँ दो मंदिरों के दर्शन होंगे मेन, तो वो दो मंदिरों के दर्शन करवा के लाएंगे इस परिक्रमा के दौरान। और अभी टाइम हो रहा है करीब 4 बजे है तो होपफुली 5 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा, उसके बाद अपने चलेंगे बरसाना और बरसाना से होते हुए फिर वापस हमें वृंदावन चलेंगे। गोवर्धन पर्वत भी बोलते हैं और इसके क्या अंदर बैरिकेडिंग भी की है, आप अंदर से भी परिक्रमा कर सकते हो, अंदर पूरा मिट्टी वाला रास्ता है तो आप पैदल कर सकते हो। ये देखो ये लोग भी पैदल कर रहे हैं, आप बाहर से भी कर सकते हो अंदर से भी कर सकते हो। तो परिक्रमा करने के कई तरीके, लेकिन आप पर्सनल व्हीकल लेके नहीं कर सकते हो, आपको या तो ई रिक्शा लेना होगा या आपको पैदल करनी होगी। किस तरीके से भी लोग करते हैं ये परिक्रमा आप देख सकते हैं लेट के, क्या यहाँ से राजस्थान की बाउंड्री शुरू हो जाती है, इट मीन्स हम राजस्थान के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और 1.5 किलोमीटर रहता है ये एरिया राजस्थान के अंदर और उसके बाद वापस से यूपी शुरू हो जाता है। ये देखिए एक मंदिर है, कहते हैं कि इस मंदिर में अगर दर्शन कराए तो पूरी परिक्रमा मानी जाती है।
तो अपने चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ मत्था टेकते हैं जो राजस्थान में आता है। तो एक ये है राधा कृष्ण जी का। एंड पापी चलते हैं वापस अपनी परिक्रमा आगे कंटिन्यू करते हैं। किस तरीके के पतले पतले रास्तों से होते हुए हम जा रहे हैं। ऐसे रास्तों में आप अपना पर्सनल व्हीकल नहीं लेके आ सकते, तो आपको परिक्रमा ऐसे व्हीकल से ही करनी पड़ेगी। देखो ऐसी ऐसी गलियां पतली पतली बिल्कुल। तो ये परिक्रमा के दौरान दूसरा बड़ा मंदिर है, ये दूसरा बड़ा मंदिर है गिरिराज जी मुखारबिंद का। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ पे पर्वत उठाया था, ये वो जगह है। तो यहाँ आके बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऊपर की तरफ मंदिर है, ये है श्रीनाथ जी का जहाँ अभी हम चढ़ रहे हैं। और ये वो पर्वत है गोवर्धन पर्वत, श्रीनाथ जी मंदिर के। मंदिर के बगल में आपको दिखाऊं, ऊपर से आपको ये गांव देखने को मिलता है, नीचे की तरफ ये गांव है। ये इसको मानसी गंगा कहते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। दर्शन करके आ चुके हैं सारे मंदिरों में। मंदिर श्री गिरिराज जी महाराज मुखारबिंद मुकुट, एंड ये इसको मानसी गंगा बोलते हैं। देखिए अपनी परिक्रमा समाप्त हो जाती है। तो ये है गिरिराज जी महाराज का मंदिर। वापस अपनी गाड़ी में तो आ गए हैं, लेकिन टाइम 6 बजने वाले हैं यार, बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। तो अपने को जल्दी से पहुंचना है बरसाना और वहां दर्शन करके निकलना है। अभी मैं जा रहा हूं बरसाना के लिए। इधर भी पुलिस वालों ने मना किया जाने के लिए, फिर परमिशन दे दी कि चलो जाओ यार। यूट्यूब का बोला तो यार यूट्यूब का नाम चलने लग गया अपना, ये अच्छी बात है। और ये गोवर्धन मंदिर है, तो यहाँ मैं थोड़ी देर पहले मत्था टेकने आया था, अभी अपनी गाड़ी का भी मत्था टिकवा के आगे निकलते हैं। तो ये जो अपना एयरपोर्ट्स की बॉक्स है, इसमें से ये देखो दोनों के दोनों गायब है। जहाँ मैंने गाड़ी रोकी थी ना, वहाँ ये गिर गए थे। एंड मेरी अभी जहाँ मैं रुका था उस ऑटो वाले से बात हुई है, मैंने उसको बोला मैं आपको बढ़िया इनाम दूंगा और आप वो वहाँ पड़े हैं तो प्लीज मेरी हेल्प करो। तो उन्होंने देखे, मैं गलती से उनके नंबर ले आया, तो मैं तो कहता हूँ ये चमत्कार ही हुआ एक तरीके से। मैं उनका नंबर ले आया एंड उनसे बात हुई और अब वो उनको मिल गए। तो मैं अभी वापस जा रहा हूँ, मैं यहाँ से कम 15 किलोमीटर बरसाना के पास आ गया हूँ। ये भाई लोग भी हमें मिल गए यार, राधे राधे भाई, राधे राधे। ये भी एक चमत्कार ही है, ये इनका मिलना भी एक राधे राधे भाई और राधे राधे। अब इनकी गाड़ी में जा रहे हैं हम लेने के लिए। थे तो बस ये दो एयरपोर्ट ही, बट इन्होंने बड़ी ईमानदारी से मेरे को यहाँ ला के दिए, हमें रस्ते में आके मिले हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। मतलब मैं उस टाइम बिल्कुल वो हो गया था शौक में, यार कहाँ गिर गए, लेकिन आपके साथ आपसे मिलना बहुत बढ़िया रहा। अरे नाम तो यार दिखाओ मत, ये तो दिल से दिया यार। है कीर्ति मंदिर जो कि बरसाना में स्थित है। ये मंदिर कृपालु जी महाराज के द्वारा बनवाया गया है, देख सकते हैं आप कीर्ति मंदिर। यार कीर्ति मंदिर जाके आई और यहाँ के बहुत बढ़िया लगा। मैं हूँ अभी बरसाना में, यहाँ एक और फेमस मंदिर है जो कि राधा रानी मंदिर है। मैंने इतने कभी टेंपल्स के ब्लॉग नहीं किए जो इस बार हो रहे हैं। तो यहाँ से हम पौड़ियों के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं ऊपर राधा रानी मंदिर के लिए पूरे जोश के साथ। ये भाई लोग तो पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ, राधे राधे भाई। इतनी मधुर धुन सुन हमसे रहा नहीं गया, हम यहाँ पे रुके, अभी आगे बढ़ते हैं। ये है राधा रानी मंदिर, इसके लिए काफी पौड़ियां चढ़ के आना पड़ता है और हमें इस साइड पे आ चुके हैं। देखो पूरा बरसाना नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। श्री लाडली जी महाराज तो हम अंदर एंटर होते हैं यहाँ से। ये है राधा रानी टेम्पल, राधा रानी मंदिर जो कि बरसाना का मेन मंदिर है। अंदर मत्था टेक के आ चुके हैं और इधर से पूरे बरसाना का दृश्य देखने को मिल रहा है, क्या शानदार नजारा है। एंड इधर आके बस एक ही बात बोलनी है कि सिर्फ पीस मिलता है, पीस पीस एंड पीस। बरसाना में अच्छे से दर्शन हो गए हैं, भाई अपने साथ जा रहे हैं, अभी अपने भाई के पास याद करते रहेगा यार। लिए अपने आ चुके हैं भाई के पास, भाई के फ्लैट पे। एंड यहाँ और भी बहुत सारे भाई मिल गए हैं, ये देखो। एंड भाई राधे राधे, राधे राधे। और ये देखिए चाय बनाई है भाई ने। तो अभी हम आए हैं डिनर करने के लिए। ए, सारे बिजी हो रहे हैं अब, देखो खाने को देख के। तो ये अपने सारे नए दोस्त हैं।